नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूं सभी भावना। आज मैं फिर से हाजिर हुआ नई जानकारी के साथ। ख्वाजा पीर जी की सवारी कितने दिन में आती है, क्यों इतनी शक्ति है ख्वाजा पीर में कि 100% रिजल्ट देते हैं और 100% आपको ये पूछा बताते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पहले क्लिक करना तीन जो चैनल गुरु उठने शुगर उक्शन हो जाए, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कम मेरा गुरु को चेल लगा गुरु ने किसी के जान से मत फंसना। सभी धर्मों का आदर सत्कार मन करते और व्यक्ति के तारे को धर्म कर, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है। अदरवाइज आप कोई भी साधना सिद्धि मेरे विदाउट परमिशन मेरे ही चैनल से लेके करते हो तो मैं आपको बता दूँ उसका लेखा जोखा आपका रहता है। और आपने कोई भी साधना कोई भी मंत्र करना मेरे सानिध्य में करना चाहते हो तो उसकी एज पर साधना की जो भी होती है उसकी फ़ीस रहती है। मेरे साथ बातचीत करने कंसल्टिंग फीस 1150 है, आपने अरदास लगवाने 2500 और अदरवाइज आपने हवन करवाना तो 15,000 लगता है। बाकी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और आपने कोई सलाह मशवरा लेना है तो आप मेरे साथ बातचीत करके ले सकते हो। ख्वाजा पीर बलियों के बली हैं, अलियों के अली। मैं आपको बता दूँ इनकी रहमत के सदका जो लोग चलते हैं इनकी पूरी अपार कृपा और अपार एक प्रचंड शक्ति है। कलयुग में बहुत ही ज़्यादा पूजे जाने वाली शक्ति है, पूजनीय शक्ति है। और इनका जो आपके ऊपर असर बोल सकते हैं या इनका आपके ऊपर सवारी बोल सकते हैं, इनकी आपके ऊपर कृपा बोल सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाती है। ख्वाजा पीर एक ऐसे मुस्लिम देवता हैं जिनके साथ हिंदू पीर या हिंदू शक्तियां चलती हैं। हिंदू पीरों में जिनका नाम आता है गोगा जार पीर महाराज, कुछ लोग उनको पीर बोलते हैं लेकिन पीर बोलते हैं। और आपको बता दूं मैं वो भी पीर हैं, पांच पीर इनके साथ है, खिजर काली इनके साथ है और इनके साथ भैरव नाथ, और उसके अलावा इनके साथ लखदत्ता पीर चलते हैं और इनके साथ बाबा बालकनाथ जी चलते हैं, इनके साथ दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी की शक्ति चलती है, भोलेनाथ की शक्ति चलती है। उसके अलावा इनके साथ सबल सिंह केसरमल अस्तवली पक्के पुल वाले और जितने पीर है पीर पैगंबर अली वली सब इनके नीचे और इनके सानिध्य में चलते हैं। इनकी साधना पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में करनी है। इनकी सवारी कितने दिन में आती है, ये लोगों के अंदर भ्रम रहता है तो मैं आपको बता दूं किसी गुरु के पास अगर चौकी रहती है, अगर वो आपको अपने मुख से चेला बना के जब साधना करवाता है तो ही 1.25 महीने में आपका चांसेस बनता कि आपके ऊपर इनका झटका पड़े, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपकी क्षमता और आपके सेवादारों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहले से घर में गद्दी है फिर आ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे नहीं आते। स्वादेश